इंदौर के उमरी खेड़ा में एक हफ्ते पूर्व हुई मध्य प्रदेश शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की हत्या का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर अभी इस मामले की जांच कर रही है, जिसको लेकर अभी करीब 60 से ज्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के पहले पालतू श्वान को नींद की गोलियां दी गई थी। शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की हत्या को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विवेचना में पाया कि हत्या वाले दिन रमेश साहू ने नींद की गोलियां ले रखी थी। वहीं उनके घर में दो पालतू डॉग हैं, जिन्हें ढाबे के किसी कर्मचारी ने नींद की गोलियां दे दी थी ताकि वह अटैक ना कर सके, जिसको लेकर पुलिस अब ढाबे के कर्मचारी पर ही शक की सुई घुमा रही है। वहीं DIG हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि जल्द ही रमेश साहू की हत्या का खुलासा किया जाएगा। नींद की गोली लेकर सोई थी। पुलिस उसमें घटना से जुड़े हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण कर रही है। उस घटना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि उनके घर के डॉग्स को पहले नींद की गोली दी जाती थी जब वो बीमार थे, और घर के ही कुछ नौकर ये दवा देते थे। जिस दिन ये घटना हुई, वो सामान्य तौर पे जो डॉग की जो ब्रीड है, नस्ल है, वो काफ़ी आक्रामक प्रवृत्ति की है और खुले हुए थे। इसके बावजूद दोनों सोए हुए पाए गए, यानी कि घर के किसी घर में काम करने वाले, घर में रहने वाले किसी नज़दीकी व्यक्ति, जो कि वहाँ पे कई काम करने वाले 4-5 लोग थे, उन्हीं लोगों को पता था कि उसको ये नींद की गोली दी जाती है। तो मुख्य तौर पर उसमें से किसी ने एन वक्त पर उसे नींद की गोली दी थी, पूर्व में दिए जाने की प्रवृत्ति उनको मालूम थी। तो इन बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है, उसमें कौन सा व्यक्ति इस तरीके से, जैसे आंतरिक तौर पर सारी बातों की जानकारी थी, इस सूचना को लिख किया या इस तरह की घटना की, मुख्यतः हर बिंदुओं के साथ पुलिस की जाँच में ये भी एक मुद्दा है। और उसमें पुलिस इस घटना का तथ्यों का विश्लेषण। घटना के दिन रमेश साहू ने भी स्लीपिंग पिल्स ली थी? वो घटना के दिन ही नहीं, प्रतिदिन लेते थे, प्रतिदिन वो लेते थे, इसलिए वो दवाइयाँ आसानी से इसलिए निश्चित तौर पे उपलब्ध होने के बावजूद, और जिसको इस तथ्य का पता होगा कि इनको भी दिया गया है, डॉक्टर को भी दिया गया है, तो संभवतः उसने उसी व्यक्ति ने इस सूचना का फायदा उठाते हुए और मुख्य तौर पर ऐसी परिस्थिति पैदा की। अपडेट जानकारी, कितने लोगों के बयान ले लिए हैं? अभी तक 60 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और कुछ और 3-4 लोगों से पूछताछ चल। गुजरात में टीम भेजी गई, इसमें एक संदिग्ध के गुजरात में छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने गुजरात की टीम भेजा है। सुपारी के लिंक का लग रहा है कि इसमें किसी को सुपारी, पुलिस हर संभावित मुद्दे पर जांच कर रही है। गौरतलब है कि उमरी खेड़ा स्थित ढाबे पर शिवसेना के पूर्व नेता रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को लेकर पहले प्रॉपर्टी विवाद के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हत्याकांड के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।